अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग चैनल के साथ मैं हूँ शाहिदा। आज मैं बना रही हूँ बालूशाही। तो ये मेरे पास जो मैदा है इसको मैंने छान लिया है, और ये 250 ग्राम मैदा है, यानी ये 250 ग्राम मैदा है। ये अब इस तरह से इसके अंदर ये कर लिया मैंने। एक चुटकी जो है इसके अंदर ये बेकिंग पाउडर है, वो ये बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग पाउडर है, बस इतना ही डालना है इसके अंदर। अच्छा, ये 50 से 60 ग्राम जो है मेरे पास की घी है, और ये इसमें डाल देंगे। अब ये मैंने बचा लिया भी थोड़ा सा, अभी मैं इसको मिक्स कर लूँ। अब इतना ही मैंने इसमें ये पानी लिया, पानी इसमें कम लगेगा, तो अब इतना पानी डाल दिया इसके अंदर। अब इस आटे को जो है ना तो हम बहुत सख्त गूंदेंगे और ना इतना नरम गूंदेंगे कि बिल्कुल ही पतला हो जाएगी, बस इस तरह से गूंदेंगे जैसे घर का आटा होता है ना, इस तरह से। और पानी जो प्याली का था वो मैंने डाल दिया, और इसमें पानी भी जो है इतना ही डलेगा, 50 से 60 ग्राम, यानी कि जितना मैंने घी लिया है और इतना ही मैंने पानी इसमें लगा दिया है। साठ ग्राम इसमें मैंने घी लिया है और 60 ग्राम इसके अंदर पानी लग गया। और इसको अच्छी तरह से मैंने इसको इस तरह से समेट के, और इसको अब इसको रख दूँगी मैं 10 से 15 मिनट। 15 मिनट के लिए ये आटा रख दूँगी, फिर इसकी लोइयाँ तोड़ के मैं दिखाऊँगी, फिर बालूशाही बनाते हुए दिखाऊँगी। तो ये शीरा बनाना है, तो इसमें चीनी डाल रही हूँ मैं। 250 ग्राम की चीनी है, ये पानी इसके अंदर डाल दिया मैंने, एक गिलास पानी का डाला ये, यानी कि ये पूरा 250 ग्राम पानी है और इतनी चीनी है ये, तो आधा गिलास जो है वो और डाल देंगे, भी शीरा पकेगा इसका। और साथ में ये 2 इलायची हैं, अब इसको इलायची को भी डाल दिया, और इसको पकाने के लिए मैं रख दूँगी, और इसको चलाते रहेंगे, ये अभी ज़रा चीनी जो है घुल जाएगी, और अगर इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी तो नीचे से चीनी जो है वो जल जाएगी, तो इस तरह से इसको हिलाएं तो चीनी घुलेगी। अभी ये शीरा तैयार है, और इसको इस तरह से चेक करना है, ये इस तरह चिकना चिकनापन होता है इसके अंदर, कि हाथ से अगर महसूस कर रहे हैं ना तो ऐसा लगता है चिकना चिकना पानी। तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया, शीरा हो गया तैयार। और अब इसको जो है बनाना है इस तरह से, हाथ पे इस तरह से रख के, और इसको इस तरह से हल्के हाथ से इस तरह से घुमानी है, और इस तरह से करके इसको दबानी है। ये जोड़ है ना जो टूटा, ये इसको ऊपर रखना है और इस तरह से दबाना है। इस तरह से मैं बना लूँ, फिर मैं भी दिखाती हूँ उसको, और ये मैं बनाने के बाद में इसको रखूँगी, मैं 5 मिनट इसको रखूँगी, ज़रा ये इसके बल खुल जाएंगे।
इसको मैंने बना के तैयार करके और इसको मैंने रख दिया है, और ये 5 मिनट के लिए मैंने रख दिया था कि जो ये बालूशाही में हमने इस तरह से इसको मला था ना, तो इसके बल जो है ना वो खुल जाएँ, क्योंकि बनाते ही हम तलेंगे तो ये बिल्कुल ठोस हो जाएंगे। तो अब जो है मैंने घी गर्म कर लिया और एक डाल के देखती हूँ मैं। घी गर्म करके चूल्हा बिल्कुल मैंने स्लो कर दिया है। देखिए हल्का हल्का सा घी गर्म हो रही है ये। तो अब एक इसमें डाल के मैं देखती हूँ। अब ये इस तरह से इसके अंदर देखें, ये डाली है मैंने बालूशाही, और इस तरह से ये बननी शुरू हो रही है, ये बुलबुले से उठ रहे हैं इसके अंदर। और बाकी बालूशाही मैं इसमें डाल लेंगे। ये देखेंगे ब्राउन हो गई है, लाइट ब्राउन है। अगर इसको मैं ज़्यादा और सेकूँगी तो फिर ये कलर्सपन पे आ जाएंगी, और इस तरह से इसका कलर बड़ा प्यारा है भाई, लाइट ब्राउन हुई भी है ये। और सर इसका मैंने तेज़ चूल्हा कर दिया है, और अब इसको मैं उतारूँगी। जो इसके अंदर घी चला जाता है ना, तो तेज़ चूल्हा करने से ये है कि वापस इसका घी निकल जाता है। अब इसको मैं शीरे में डाल लूँगी। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ये मैंने शीरे में डिप कर दिए, और ज़्यादा बालूशाही होती है ना तो फिर इनको ट्रे में लगा के ना फिर ऊपर से शीरा डालते हैं ना, तो फिर ये है कि ये चूसती रहती हैं। तो अब ये कम यानी के हैं, तो इस वजह से मैंने इसको शीरे में डिप कर दिए। और इसको मैंने डिश आउट करा है, और अब इस तरह से इसके ऊपर पिस्ते लगा देंगे। और पिस्ते से लगाने से यह है कि थोड़ा इसकी खूबसूरती आ जाती है बालूशाही की। तो नाज़रीन ये बालूशाही की डिश तैयार है, और मेरे तरीके से बनाएं, और फिर मुझे बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी है। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी कौन सी डिश पसंद आ रही है। शुक्रिया।